एनवायरनमेंट पे डे पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देते हुए पतिदेव। वैसे बारिश आने वाली है, हम एनवायरनमेंट डे का ब्लॉग शूट करने आए थे, बट यू नो चारों तरफ बहुत ज़्यादा हवा आ गई है एकदम से, और आप देख ही रहे हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं। So we should postpone our schedule. हमें कुछ टाइम बाद अब हमें लगता नहीं हम शूट कर पाएंगे, जिस तरीके से हवा चल रही है, तूफान है, तो हमें नहीं लगता कि अब हम आगे का ब्लॉग यहाँ शूट कर पाएंगे। इट्स टू टफ फॉर अस। बट अब व्यू देख सकते हैं, बहुत सुंदर व्यू है और बहुत बहुत प्यारी हवा चल रही है बहुत प्यारी हवा चल रही है। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कोई वीडियो बना लूँ, वैसे भी इतना अच्छा मौसम है। थोड़ी अब हवा रुक गई है तो अब हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम किरण। आई एम गौरव। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज का ब्लॉग बनाने का कि हमारे पास जो है दो बहुत स्पेशल रीजन्स हैं। पहला रीजन्स तो ये है कि आज हम जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। एंड सेकंड रीजन इज आज के दिन हम पहली बार मिले थे एक दूसरे को 2 साल पहले। यस। डू यू नो व्हेन एंड व्हाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ जून एवरी ईयर टू अवेयर पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर। यस। एंड व्हेन फर्स्ट टाइम इट सेलिब्रेटेड? 1974 में पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। यस। और जो इसकी थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। हर साल जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं तो हर साल इसकी एक नई थीम होती है, तो इस साल की जो थीम है वो क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यस, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को एक कंट्री होस्ट करती है, तो इस साल कौन सी कंट्री वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रही है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सब बताओगे। कमेंट कीजिएगा कि इस साल कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। चलो छोटा सा एक हिंट देता हूँ आपको, ये हमारी नेबर कंट्री है। यस। और हमारा इस कंट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार है और बहुत पुराना रिश्ता है, तो आप अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह हम हर साल बर्थडे, एनिवर्सरी और भी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ना हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें? अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, प्लास्टिक ना जलाएं और आसपास सफाई रखें। यस। ये छोटी सी चीज़ें भी अगर आप कर लेते हैं तो वो भी हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट की तरफ। पहले तो पानी बिकता था, बट इस टाइम पे ऑक्सीजन हवा तक बिक रही है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, सो दैट हमें कभी भी इन फ्यूचर ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं। नहीं, पेड़ लगाएं और खुद को बचाएं। Yes. क्योंकि अगर पर्यावरण है तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। बी सेफ, बी हैप्पी एंड हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एंड पेड़ लगाएं और खुद को बचाएं। थैंक यू। पार्क से घर जा रहे हैं और मैं आपको वहाँ ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने गमलों में कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं। घर की एंट्री पे मैंने परिजात का पौधा रखा है, अभी इसमें फूल आने हैं वाइट कलर के। ये मैंने अपने हैंगिंग फ्लावर लगाए हैं, इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं बहुत सुंदर। और ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स लगाए हैं मैंने। यहाँ पर मैंने लगाया है एलोवेरा। एलोवेरा के आपको सबको पता है बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके अपनी स्किन को लेकर। और यहाँ मैंने छोटी छोटी मिर्चियाँ लगाई हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही मिर्चियाँ रही हैं, बाकी सारी अभी मुरझा गई हैं। चलो 2 मिर्ची भी काफ़ी है मेरे लिए। इधर मैंने लगाया है हरा पुदीना जो कि लग गया है काफ़ी हद तक। और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ हरा धनिया, देखिए थोड़ा थोड़े अभी पत्ते आने लग गए हैं धनिए को। और ये एक पौधा है जो शांति का प्रतीक है, इससे घर में शांति आती है, तो मैंने सोचा इस पौधे को तो मुझे ज़रूर लगाना चाहिए। और ये तुलसी जी हैं। और अब ये देख रहे होंगे आप लोग, सोच रहे होंगे घास क्या लगाई है मैंने, बट ये लेमन ग्रास है। हम डेली सुबह उठ के इसकी खाली पेट चाय पीते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, तो आप लोग भी अपने घर में लेमन ग्रास ज़रूर लगाएं।
ये एक ऑक्सीजन प्लांट है, इसका नाम है फीकस। इसे इंडोर लगाया जाता है और ये आपको जो है फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या आपको पता है कुछ इंडोर प्लांट ऐसे होते हैं जो रात को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिन्हें आप अपने रूम पे रख सकते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन का मजा ले सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की लिस्ट मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेक कीजिए और ऐसे प्लांट्स को अपने रूम्स में लगाइए जिससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिले। एंड यस, एंजॉय द फ्रेश ऑक्सीजन एंड द एनवायरनमेंट।